हेलो गाइस, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्फिनिटिव टेंस का प्रयोग कैसे पार्टिसिपल में, यानी कि आपको सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, आइए जानते हैं हम। यानी कि इन्फिनिटिव का प्रयोग करके इसके पहले मैंने आपको बता दिया कि पार्टिसिपल के द्वारा कैसे किया जाता है, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया पहले वीडियो का, उसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके आपके लिए मैं नोट भी बनाया हूँ। नोट पहले दिखा देता हूँ आपको, अभी नोट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पहले मैं आपको नोट से ही बता दे रहा हूँ। देखिए, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके क्रिया में टू जोड़कर, यानी कि कोई भी क्रिया हो उसमें टू जोड़ करके हम लोग क्या बनाते हैं, इन्फिनिटिव बनाते हैं। और हिंदी में इसका अर्थ क्या निकलता है, तो यहाँ पे इसका अर्थ होता है नानी ने। और इन्फिनिटिव के प्रयोग के द्वारा वाक्यों को जोड़ने के समय वाक्य के फाइनेट वर्ब को उसी रूप में रहने देते हैं। यानी कि मैंने आपको फाइनेट वर्ब और नॉन फाइनेट वर्ब क्या होता है इसके बारे में पहले वीडियो में पूरा डिस्कस किया हूँ, और पूरा आपको उसका मतलब सबूत भी दिखा हूँ कि मतलब किताब में कैसे ये इसकी परिभाषा है, ये इसकी परिभाषा है, और उसको समझाया भी हूँ। तो आप देख लीजिए पहले वीडियो, रहने देते हैं दूसरे या तो अन्य वाक्यों के फाइनेट वर्ब को हम इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। तो यहाँ पे पूरा नियम है, आप नियम को दो तीन बार पढ़ लीजिए। उद्देश्य या फल दिखाने वाली फाइनेट वर्ब को इन्फिनिटिव में बदलना चाहिए। अब हम आपको किताब के द्वारा समझाते हैं उदाहरण लेकर के। यहाँ पे देखिए, अभी एक बार मैं फिर से डिवाइड कर दे रहा हूँ यहाँ पे, मतलब कैसे कैसे होगा। हिंदी में अर्थ निकालने पर नानी होगा, या तो आप क्लियर हो गया होगा। और इन्फिनिटिव के द्वारा वाक्य को जोड़ते समय एक वाक्य के फाइनेट वर्ब को उसी रूप में रहना, यानी कि जिस तरह है एकदम सेम उसी प्रकार छोड़ देंगे हम लोग, और दूसरे वाक्य के अन्य वाक्यों के फाइनेट वर्ब को इन्फिनिटिव में बदल देते हैं, यानी कि उसमें टू लगा देंगे। सिंपल, पहले वाक्य को हम छोड़ देंगे और दूसरे वाक्य को हम लोग उसमें टू लगा देंगे। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पहले ही एग्जाम्पल, मान लीजिए पहला वाक्य मैंने छोड़ दिया और दूसरा वाक्य क्या है, दूसरे वाक्य मैंने ही को हटा दिया, यानी कि ही इसमें भी है, ही इसमें भी, तो इसमें मतलब सब्जेक्ट एक ही होता है, तो सब्जेक्ट एक को हटा दिया मैंने और यहाँ पे डायरेक्ट मैंने टू से जोड़ दिया, यानी कि ये वांटेड को हटा दिया और डायरेक्ट यहाँ पे टू किल द हैन, ये वाक्य एकदम क्लियर हो गया, इसी प्रकार बनेगा वाक्य। यहाँ पे और क्या दिया है, उद्देश्य या फल दिखाने वाली फाइनेट वर्ब को इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। यानी देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि वह एक चाकू लिया, ही वांटेड टू किल द हैन, यानी कि वह मुर्गी को मारना चाहता था। तो यहाँ पे किसके द्वारा मतलब फल दिखा रहा है, यहाँ पे वह मुर्गी को मारना चाहता है, यानी कि यही तो फल है उसका, मारना चाहता है। तो यहाँ पे आपको इसी में यही वाक्य में जिसमें मतलब फल या उद्देश्य प्रकट हो उसी वाक्य को आपको इन्फिनिटिव में बदलना है। सिंपल तरीके, और समझ लीजिए यहाँ पे देखा पहला वाक्य, फिर से मैं आपको बता दें, ही टू के नाइफ, ही वांटेड टू किल द हैन, यानी कि ही टू के नाइफ आपको पहला सिंपल उतार लेना है, और टू किल द हैन आपको यानी कि ये इससे मतलब हमको नहीं है भाई, डायरेक्ट दूसरे वर्ग से मतलब है, दूसरे वर्ग कहाँ पर इसका टू किल है, तो यहाँ पे पहला वर्ब, पहले वर्ब को छोड़ देना है हम लोग, पहले वर्ब और सब्जेक्ट को हमेशा छोड़ देना है, बस डायरेक्ट हमको अटैच करना है टू पे। तो यहाँ पे हम लोग यानी कि पहले वर्ब थे यहाँ से हमको मतलब ई वाले टू से मतलब नहीं है, मतलब है ये अलग से हमको टू लगाना है, टू किल द हैन। जैसे मान लीजिए आप दूसरा उदाहरण दिखाता हूँ मैं आपको, ही इज वेरी वीक, यानी कि तुम बहुत कमजोर हो, ही कैन नॉट वॉक, यानी कि तुम चल नहीं सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, ही इज टू वीक, यानी कि तुम बहुत अधिक कमजोर हो, टू वीक टू वॉक, यानी कि मैं यहाँ पे देखिए आपको ही कहना से कोई मतलब नहीं है, बस मतलब है वाक से, वाक से मतलब दूसरे वाक से मतलब है, और दूसरे वाक में यहाँ पे इन्फिनिटिव बनाने के लिए आपको टू जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ दिया मैंने आपको टू यहाँ पे बता दिया। और मैं आपको तीसरे घर पर ले चलता हूँ, ही टू, ही इज टू वीक टू वॉक, वीक टू वाक ये हो गया। और यहाँ पे तीसरा उदाहरण है, ही वॉन्ट्स टू स्टडी, ही हैज गॉन टू आगरा, यहाँ पे इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ही हैज गॉन टू आगरा, और यहाँ पे ही मतलब ये इसमें देखिए क्या है, इसको मतलब आपको पहचानना होगा कि कौन सा वाक्य में उद्देश्य प्रकट हो रहा है और कौन सा वाक्य एकदम सिंपल है। यहाँ पे उद्देश्य उसमें प्रकट हो रहा है, यहाँ पे देखिए आगरा मतलब वो पढ़ना चाहता है, यही तो उद्देश्य उसका है, और ही हैज गॉन टू आगरा, यानी कि वो आगरा गया उससे नहीं मतलब है, और आगरा मतलब कुछ भी जाके करे, लेकिन वह उसका उद्देश्य क्या है, पढ़ने गया है वह। तो यहाँ पे ये उद्देश्य क्यों प्रकट हो रहा है, इसलिए आपको ये लास्ट में लिखना है। तो आपको यहाँ पे कैसे होगा, ही हैज गॉन टू आगरा, और सिंपल तरीके से जैसा कि मैंने बता दिया कि आपको ये मतलब कोई भी वाक्य उसमें अगर दो वर्ब हो तो दो पहले वर्ब को छोड़ दिया जाएगा, और पहले वर्ब और सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाएगा, और दूसरे को हम लोग डायरेक्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमको टू स्टडी जोड़ देना है इसमें। और यहाँ पे देखिए, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता,
आई शैल लीव दियर, यानी कि आपको इसका उद्देश्य क्या है कि वहाँ पर रहना चाहता है, ये नहीं कि वह कलकत्ता छोड़ रहा है, इसका उद्देश्य नहीं है, उसका उद्देश्य है कि वहाँ रहना चाहता है, मतलब दूसरी जगह रहना चाहता है। आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, यानी कि वह कोलकाता के लिए छोड़ चुका है और टू लिव वहाँ रहने जा रहा है। और द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, यानी कि वह बुक इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट है, कठिन है कि वह उसे समझ नहीं सकता, यानी पढ़ नहीं सकता है। और यहाँ पे इसका उदाहरण है सी बुक वॉज टू डिफिकल्ट, यानी कि वेरी की जगह यहाँ पे टू का मतलब होता है अधिक, तो यहाँ पे हम लोग वेरी को हटा करके टू लगा दिए, टू या वेरी लगाए कोई दिक्कत नहीं है। फॉर हर टू अंडरस्टैंड, यानी कि मैंने आपको बता दिया इससे मतलब कोई नहीं मतलब है, बस आपको डायरेक्ट दूसरे वर्ड से अटैच करना है टू अंडरस्टैंड, तो आपको समझ में आ गया होगा। और आपको यहाँ पे उधार है, उधार मैंने इतना दे दिया है और उधार तो आपको लगाइए, अगर आपको उधार ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उधार को भी बता दूँगा। और आपको मतलब इसमें से कोई एक दो उधार नहीं आए तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, नीचे ग्रुप का मैंने लिंक दे दिया, उस ग्रुप के लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के बाद आपको उस पर जो भी क्वेश्चन, आपको हिंदी फिजिक्स कोई भी क्वेश्चन हो, आप उस पर क्लिक करके मतलब फोटो खींच कर भेजिए, मैं आपको तुरंत सॉल्व करके दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अगली वीडियो में आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके बताऊंगा, उसमें मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। आप हमारे चैनल पावरफुल स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए।